हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग 19.10 क्लास 12th कैसे सीना बुक से करेंगे। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके हैं और आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, जहाँ तक चलेंगे। तो चलिए आप सबको एक बार याद दिलाते हुए कि चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना अधिक कर सकते हैं करवा सकते हैं कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आ सकें। अभी कुछ कमेंट्स आए हैं मैसेज के रूप में, तो उसमें कहा गया है कि लाइव, तो ये लाइव जैसा ही है भाई। हर रोज आपको सीरियल वाइज सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं, तो ये लाइव जैसा ही है। फिर भी हम लाइव आएंगे, लेकिन लाइव आएंगे तो उसके लिए हमने आप लोगों से कहा है कि आप हमारे पास संख्या होनी चाहिए। हम लाइव आए और एक दो लोग जुड़े, तो फिर लाइव आने से क्या फायदा। तो इसलिए आपकी संख्या होगी, और संख्या हमें कैसे पता चलेगी कि जैसे क्लास 12th है, तो क्लास 12th के आपके पास आप कितने लोग ज्वाइन हैं, सभी लोग अपना मैसेज हमें करें इस व्हाट्सएप नंबर पर 9993459600 पे, और बताएं कि इस क्लास से है, कौन से टॉपिक से आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका चैनल आप जैसा चाहेंगे चलेगा। फिलहाल जब तक मुझे वो संख्या नहीं दिखती है, तब तक तो शायद बेवजह लाइव पाकर और परेशान होना और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जब आपकी संख्या होगी जरूर हम आएंगे। चलिए अभी लाइव आप सब्सक्राइब कीजिए, संख्या बढ़ाइए तो आप ऑटोमेटिकली मैं आ जाऊंगा। अन्यथा सब्सक्रिप्शन कम भी है तो आप अपनी संख्या दिखाइए कि आप किस क्लास के हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। 12th के हैं तो 12th लिखकर आप हमको मैसेज डालिए, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मीट पे भी आपको लाकर डाउट क्लासेस ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ कुछ पहले ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें डायरेक्ट इसको हम पुट नहीं कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हो 8 sin² a cos² a, तब हम लिख सकते हैं 2 sin² 2a, और जब इतना लिख सकते हैं तब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा 1 - 4a। तो चलिए ये हम इसको बनाते हैं, कैसे बना देंगे, तो इसको लिखते हैं 1/8 डिवाइड कर देते हैं पहले ही, तो ये x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 sin² x और cos² x dx। और ये ऐसा क्यों होता है दिखाते हैं हम आपको। इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि अगर 2 sin a cos a हमारे पास होगा तो इसको हम लिख देंगे 2 sin a, ये बता दिया गया था। अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, और ये साइन टू ए होगा। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 sin² a cos² a, तब यहाँ पे होगा sin² 2a। ठीक है, तो ये 4 जब होगा तो sin² 2a होगा, लेकिन हमें चाहिए 2 sin² 2a, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 2 sin² a 2a, और इधर हो जाएगा ये 8 sin² a cos² a, तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया गया इस तरह से। ठीक है, कैसे आएगा इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा, जो रखा गया है तो वो आएगा उसी हिसाब से रखा गया है, और डायरेक्ट हम लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि उस पीछे हम बता रखे होंगे। तो इसीलिए आपको हमारे सारे जितने भी एपिसोड्स है वो सारे एपिसोड्स को देखना पड़ेगा। एपिसोड मतलब तो जितने भी वीडियो कंटिन्यूस जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरी चीज़ें समझ पाएंगे कि डायरेक्ट जो रखा गया है वो कैसे रखा गया है। तो जब इतना हो गया तो हम ये रख सकते हैं हम इसके साथ, तो हमारे पास अब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये आई इक्वल टू आ रहा है, आई इक्वल टू 1/8, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स, और इतना बराबर क्या रखते हैं 1 - 1 - 4
कॉस 4a, ठीक है, डी ये लिख रहे हैं एक्स डी एक्स। अब देते हैं और इसको लिख लेते हैं कॉस 4 एक्स। फोर एक्स अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, जैसे 1/8 और ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। और जब एक्स कॉस 4 के साथ होगा तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन एक्स कॉस 4 एक्स डी एक्स। तो ये देखिए कि यहाँ पे तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक का लिख देते हैं 1/8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन कॉस 4 माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन कॉस 4 एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन कॉस 4 एक्स डी एक्स डी एक्स। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 1/8 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन 4 एक्स बाई 4 माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 4 दो। यहाँ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1/32 का 1/8 और कॉस 4 एक्स और प्लस सी सी ये हो जाएगा। ठीक है, 1/16 इसमें से कॉमन भी हो सकता था तो कॉमन कर दोगे तो 1/16 और बाकी पीछे के अंदर मिल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉस 2
कॉस स्क्वायर ए एक्स। तो यहाँ पे अगर हमारे पास होता है टू कॉस स्क्वायर ए, तब हम लिखते हैं वन प्लस कॉस टू ए। तो पहले इसको बनाया वैसा, आई क्या बन जाएगा हमारा, वन बाई टू इंटीग्रेशन एक्स टू कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टू इंटीग्रेशन एक्स और वन प्लस कॉस एक्स है, ये डबल हो जाएगा टू ए एक्स डी एक्स। फर्दर इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स का। अब जब एक्स को वन में मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन एक्स कॉस टू ए एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये वाला टर्म्स, और उसमें एक्स कॉस टू ए एक्स में क्या लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा। तो इसको पहले सॉल्व करके लिख देते हैं, यहां से अब भाई हमारा हो जाएगा वन बाई टू और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व भी कर देते हैं। तो ये सॉल्व हो जाएगा कि वन बाई टू और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर और प्लस वन बाई टू एक्स इंटीग्रेशन कॉस टू ए एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन कॉस टू ए एक्स डी एक्स डी एक्स। सॉल्व करेंगे एक्स टू दी पावर फोर एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वन बाई टू और यहाँ मिल जाएगा एक्स, और कॉस का क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन टू ए एक्स बाई टू ए माइनस ये टर्म्स जो है एक्स डी बाई डी एक्स एक्स, ये वन हो जाएगा और ये इंटीग्रेट होकर होगा साइन, तो ये हो जाएंगे साइन टू ए एक्स डिवाइडेड बाई टू। फर्दर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वन बाई टू टू फोर वन बाई फोर ए और एक्स साइन टू ए एक्स और माइनस वन बाई टू, टू इधर आ जाएगा तो फोर ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ए एक्स डी एक्स, और उसको आप सॉल्व कर दें तो बाकी तो ऐसे ही उतर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वन बाई फोर ए एक्स साइन टू ए एक्स डिवाइडेड बाई फोर ए और माइनस वन बाई फोर ए, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कॉस टू ए एक्स डिवाइडेड बाई टू ए। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स साइन टू ए एक्स डिवाइडेड बाई फोर ए, और ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा एक दूसरे को, तो प्लस कॉस टू ए एक्स और डिवाइडेड बाई फोर ए इंटू टू ए एट ए स्क्वायर और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। और हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि
वो वही जो मैंने लिखा था ये उसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वो है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ ये दिया हुआ है कि साइन क्यूब एक्स, तो इसको पहले हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस के अनुसार, सॉरी आइडेंटिटी के अनुसार। तो ये होता है कि 4 sin³ इज इक्वल टू 3 sin a माइनस sin³a। तो यहाँ 4 नहीं है, तो पहले 4 बनाएंगे, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 4 sin³ x dx। तब इसको लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x 3 sin a माइनस sin³a और x के टर्म्स में आएगा। एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले अभी निकालते हैं 1/4, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 3 sin x माइनस डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स sin³x dx। और सॉल्व करते हैं दोनों में, और यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो 3 तो लग जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 3x इसके बाहर आया, और sin x माइनस x इंटीग्रेशन d बाई dx x और 3 इंटीग्रेशन sin x dx dx, ये पहले वाले का हो गया, और दूसरे वाले -1/4 एक्स 3x, 3 नहीं है इसमें, तो x इंटीग्रेशन ऑफ sin³a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx x इंटीग्रेशन sin³a dx। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 लिखने के लिए डायरेक्ट लिखे तो ये इंस्टीट्यूट हो जाएगा। चलिए 1/4 इंटू 3x, और साइन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ -1/4 और इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा 3 और माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फिर से होगा, ये एक टर्म्स हो गया। अब दूसरा टर्म्स यहाँ निकाल लें, ये हो जाएगा माइनस एक्स और बाई 4, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 3 x बाई 3, और यहाँ पे ग्लॉस हो गया है, ये माइनस एक्स नहीं है, एक्स है, माइनस 1/4, और ये तो 1 हो गया है, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 3 x बाई 3 dx। रिजल्ट के रूप में लें तो ये हो जाएगा माइनस 3 x कॉस x बाई 4,
और यहाँ एक माइनस और एक माइनस प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 3 cos x डिवाइडेड बाई 4। नहीं, यहाँ तो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेट होगा फिर से और ये हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स बाई एक्स बाई 3 और यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस 1/12 साइन 3 एक्स बाई 3। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट रिजल्ट हो जाएगा 3 एक्स कॉस एक्स वाला कहीं है? नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 cos x, एक्स भी है इसमें, -3 x cos x बाई 4 प्लस 3 sin x/4 -x/4 -cos 3x/3 और cos 1/30 यानी कि sin 3x/36 80। कॉमन नंबर कुछ आना चाहे निकाल लेगा, उसके बाद हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पे आप आंसर्स लिख दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यहाँ पे क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है, बाकी तो ऐसे ही है, कॉस एक्स है, तो यहाँ हम पुट क्या कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक मिनट देख लीजिए जरा इसको। नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं i=x2, क्योंकि यहीं पे क्या है, ये है अलजेब्रा जो कि ट्रिगोनोमेट्री से पहले आएगा इलेट में, इसलिए ये यू हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस डी बाई इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, ये हो जाएगा 2x को तो बाहर कर दो तो x, और ये कॉस का हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या होगा, बाई पार्ट्स लगेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 और ये देखिए ये सबके साथ है, तो 2x और माइनस होता है इसका, तो ये प्लस कर देगा कॉस एक्स, और यहाँ पे -2 ये वाला मल्टीप्लाइड होगा और ये तो हो गया 1 और साइन क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहे, कॉमन लेना चाहे, तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 cos कॉमन हो सकता है, तो 2 cos x, तो ये हो जाएगा एक्स -1 प्लस सी, यानी ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स 2x -1 कॉस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा आंसर।
और इस तरह से कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, तो वो है 28 नंबर, 29 नंबर और 31 नंबर। यहाँ पे कॉस 2x है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2, या साइन 2x है तो साइन 2x बाई 2, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि 1/2 इधर कर देंगे, 2 यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, और इसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो 1/2 x² dx -1/2 x² cos 2x dx, और इसका बाई पार्ट्स, और ये डायरेक्ट हो जाएगा, और ये भी आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करके और बदल लेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे रख लेते हैं कि कोट √x = t, ठीक है, या फिर हम रख सकते हैं एक और चीज, और वो हो जाएगा, ज्यादा आसानी से होगा वो, x = t² तो ये हो जाएगा dx = 2t dt, ठीक है, और इसको जब यहाँ हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर हो जाएगा, और t x की जगह 2t और dt है, और साइन √t² dt सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और t = क्या हो जाएगा √x, t ही रहने तो क्या जरूरत है, dx में वही हो जाएगा t साइन t dt, इसमें लग जाएगा बाई पार्ट्स, क्या हो जाएगा आई तो बाहर ही है, तो ये हो जाएगा टी इंटीग्रेशन साइन टी माइनस इंटीग्रेशन टी बाई डी टी टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी डी टी सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस t cos t, साइन का माइनस कॉस टी होता है, और उसके बाद ये इधर भी 2 आ जाएगा -2, और ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेटर बच जाएगा, माइनस इधर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा cos t dt। फर्दर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा -2t cos t और +2, और cos t dt का हो जाता है साइन टी और प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा -2√x, और cos√x + 2 sin√x प्लस सी, और ये है, ठीक है, तो कोई चीज घबराने जैसी नहीं है, आप आसानी से ठंडे दिमाग से कंसेप्ट पूरा जानते हुए अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सब चीज सही होगा। उस देखिए इसमें भी यही चीज है, इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं ऐसा कि ये लिख देते हैं x² साइन x² और डॉट, ये x³ था, यहाँ x² रखा गया है, तो ये x यहाँ एक लिख लेते हैं, क्यूब हो गया, और dx ऐसा क्यों लेंगे, चलिए अभी पता चल जाएगा। तो ये पता क्या चलेगा, तो पुट x² = t, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx = dt, और ये मिलेगा x dx = dt/2, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन करने पे आई क्या आएगा, तो x² = t ये पहला हो गया, और ये dt/2 है, तो पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाद में लिखेंगे, डायरेक्ट लिखने में बहुत सारे लोग कमेंट्स में डाल देते हैं कि ये कहाँ से आया, तो x² = पहले लिख लिया t,
साइन एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया साइन टी, और डीएक्स की जगह है डी टी बाई टू, यानी डीएक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स डीएक्स की जगह है डी टी बाई टू, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 टी साइन टी डी टी, और ये देखिए इसके पीछे वही कैलकुलेट किया गया है, टी साइन टी डी टी वो कितना आया, -2 टी साइन टी क्या है ये टर्म्स, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या आया है, -2 अंडर रूट एक्स, लेकिन वहां अलग कंडीशन आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा कि 1/2 तो बाहर ही है, ये हो जाएगा टी साइन टी डी टी और माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी टी और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी और बाहर भी डी टी, ये हो गया 1/2 टी साइन टी मतलब कि -t cos t, और यहाँ तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस आने वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t डी टी, सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस टी cos t और प्लस साइन टी और प्लस सी, वैल्यू रख देंगे टी का, तो डायरेक्ट मैं पीछे से रखने वाला था लेकिन इसलिए नहीं रखा कि वहाँ एक्स अंडर रूट एक्स था, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर मैं डायरेक्ट रखूंगा तो आप फिर डाइवर्ट हो जाएंगे कि मैंने कहा कि पीछे जैसे आया वैसे ही रख देना है, लेकिन दोनों अलग अलग है, कंडीशन हुआ है तो सेम इसी तरह का कंडीशन आएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस साइन को अगर बाहर नहीं निकालना चाहिए तो ये 1/2 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन एक्स स्क्वायर, तो ये इसका प्लस सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि 33 और 34, 33 और 34 दो एक ही तरह का है, ठीक है, तो जैसे कि इसको मैंने पिछली बार सभी से पूछा था कि दोनों एक जैसे है एक ही जैसे बनेंगे तो इसमें सन्मा कौन सा बनाऊं, तो इस पे सबसे ज्यादा पोल्स हुए हैं, वोट हुए हैं कि मैं एक्स प्लस बी और अंडर रूट सी एक्स प्लस डी वाले को बनाए। देखिए हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं और वो दोनों तरीके हम आपको दिखा देते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे कर लीजिएगा। पहला हम पुट कर देंगे सी, यानी कि 34 वाले को हम बना रहे हैं, अब पुट कर दिया, पुट सी एक्स प्लस डी डेट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे तो ये मिलेगा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस बी बाई सी, ये मिलेगा, ये थोड़ा हो सकता है कि लंबा भी हो तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो आएगी नहीं, मैं इजी कर दूंगा बाद में। चलिए यह करते हैं कि उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू टू टी बाई ए डी टी, आप सब्स्टिट्यूशन अगर लेते हैं इन सबको मिलाकर तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू देखो क्या है, तो एक्स और यहां से अगर आगे बढ़ाए तो एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी बाई सी, ठीक है ये हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 क्या हो गया, तो एक्स प्लस 1 हो चुका है टी स्क्वायर और प्लस सी माइनस बी और डिवाइडेड बाई सी है तो उसको यहां ला देते हैं सी, और एक्स क्या मिला हुआ है डी एक्स, तो डी एक्स मिला है टू टी, तो यहाँ पे आ गया टू टी डी टी बाई ए, और इसको जब फर्दर करेंगे तो ये मिल जाएगा
वन बाई सी है और ए नीचे जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया ए सी, और अंदर आ जाएगा टू, टू आ जाएगा, टू ही बाहर आ जाएगा, टू बाई ए सी, और अंदर हो जाएगा टी के, टी में करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब डी टी, इसके साथ एक आ जाएगा, और दूसरा प्लस सी माइनस बी टी डी टी, ठीक है। आप दोनों अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देते हैं, और वो होगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू टू बाई ए सी, तो है ही ये टी थ्री है तो टी फोर बाई फोर हो जाएगा, और वहां सी बाई डी क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएंगे, सी माइनस डी, और टी है तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू और प्लस सी, वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टू ए सी अंदर जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सी सी एक्स प्लस डी, तो टी फोर का मतलब क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंदर जब ले आएंगे तो टू से ये फोर कट जाएगा, तो ये वन बाई टू ए सी हो जाएगा, और टी फोर की जगह हो जाएगा सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर, और प्लस टू ए सी यहाँ भी होगा तो यहाँ टू से क्या होगा टू कट जाएगा, तो ये वन बाई ए सी आएगा प्लस वन बाई ए सी, और ऊपर बचेगा सी माइनस डी, और टी की जगह टी स्क्वायर की जगह क्या है सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और प्लस सी, यानी कि अगर वन बाई ए सी को कॉमन कर लें ये हो जाएगा, या वन बाई टू ए सी को ही कॉमन करते हैं ए सी, तो यहाँ तो टू है तो यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर, और यहाँ टू नहीं है वो नीचे तो ऊपर टू हो जाएगा प्लस टू सी माइनस डी और सी एक्स प्लस डी प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो एक तो करने का दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं, वो करेंगे हम कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी और अंडर रूट सी ए प्लस डी, तो पहले इसका इंटीग्रेट बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स, पुट सी एक्स प्लस डी यहाँ हो जाएगा सी डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई सी, अब यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट डी और डी टी की जगह हो जाएगा डी टी बाई सी, ठीक है, ये हो जाएगा वन बाई सी सी, क्योंकि उसमें करना है तो इसका वैल्यू होगा इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा टू सी और टी का थ्री बाई टू है तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री सी, टी की जगह है सी एक्स प्लस डी का पावर थ्री बाई टू, यहाँ अलग कर दिया तो अब यहाँ डायरेक्ट हम लिखने वाले हैं, और वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ये आई इज इक्वल टू जो इसका
बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन है, तो वो हो जाएगा ये होगा ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी और इंटीग्रेशन अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स डी एक्स। हम इसकी वैल्यू रखेंगे ए एक्स प्लस बी, और इसका वहां पर देखो निकाल दिया गया है कितना, टू बाई सी, टू बाई थ्री सी, और सी एक्स प्लस बी थ्री बाई टू माइनस ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ए बाहर आ जाएगा और इसका देखो क्या हुआ है, टू बाई थ्री सी और सी एक्स प्लस डी थ्री बाई टू। ठीक है, डी एक्स इसका इसीलिए पहले से निकाल कर रखा है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और टू बाई सी भी इधर आ जाएगा, पहले इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा टू बाई थ्री सी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और थ्री बाई टू, और यहाँ हो जाएगा माइनस ये टू ए बाई थ्री सी, और इसका करेंगे जैसे इसको निकाला था तो ये वन बाई टू था, यहाँ पे वन बाई टू था तो थ्री बाई टू आया था, और ये थ्री बाई टू है तो ये फाइव बाई टू हो जाएगा। तो सी एक्स प्लस बी फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू और प्लस सी, क्योंकि फाइनल हो चुका है तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री सी एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाई टू, और ये माइनस ये टू ऊपर जाएगा तो ये फोर हो जाएगा, तो माइनस फोर ए और फाइव थ्री के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा फिफ्टीन सी, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस बी का पावर फाइव बाई टू प्लस सी। आप कॉमन निकाल सकते हैं तो थ्री सी और टू कॉमन है तो ये निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टू बाई थ्री सी और सी एक्स प्लस डी द होल पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ पे ये पूरा निकल गया, ये पूरा निकल गया, तो यहाँ बचा हुआ है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से टू निकला है, ए बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फाइव से निकला है तो थ्री बचा हुआ, तो यहाँ बच गया माइनस ए बाई फाइव, और ये फाइव बाई थ्री फाइव बाई टू में से थ्री बाई टू निकला तो एक बार वो बचा हुआ है, क्या चीज, सी एक्स प्लस डी। और इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा टू बाई थ्री सी सी एक्स प्लस डी थ्री बाई टू, और यहाँ पे देखिए फाइव ए एक्स फाइव ए एक्स प्लस फाइव बी माइनस ए सी एक्स और माइनस ए डी। ठीक है, और अब इसको और सी एक्स था ए सी एक्स और दूसरा जो बचा फाइव ए एक्स। ठीक है, तो ये हो गया
पीछे वाला जैसा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम ए निकालते हैं तो सी एक्स डी बचेगा, और बी इसमें से निकालते हैं ए एक्स, और यहाँ पर से ए एक्स, तो यहाँ पे 5c और 5 माइनस 3d जो पीछे आया था, ये टर्म सबके आंसर हो जाएंगे प्लस। तो ये दोनों में से कोई एक मेथड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात कि यहाँ पे आंसर्स आप मैच करना नहीं मैच करेगा, तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे आकर इसके कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम चेक करने लगे तो टाइम भी वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। और अगर सही है तो फिर सही है, एक बार फिर से मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। चलिए एक बात, मैंने तो देखा रैंडमली, आप भी चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है कि आंसर मिसमैच आते हैं। थर्टी फोर और 35, तो 34 तो अभी हमने बना ही दिया, 33 वहां बनाना था, 33 आप बनाओगे, ये 33 आप बनाओगे, और दूसरा ये 35 भी वैसे ही आप बना लोगे, एक्स स्क्वायर को यू और इसको वी लेकर, ठीक है, इसको पहले कैलकुलेट कर लोगे और इसको करते चले जाओ। चलिए नेक्स्ट, 36, और इसमें हमें पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे तब ज़्यादा इजी मिलेगा हमें। तो जैसे कि पहला दूसरा यहाँ पे है, इसमें से पहला ही बना देता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब भी मैं पूछता हूँ कौन बनाया तो थोड़ा सा देख लेते हैं रैंडमली, लगता है कि कोई भारी है वो हमें कर दिया जाता है, तो यही हम बनाते हैं पहला वाला। तो इसमें आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन सॉरी एलिट जब हम यूज करेंगे तो लॉग पहले आता है, ठीक है, एलिट में लॉग पहले आता है, एलजेब्रिक बाद में आता है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी एक्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ तो हो जाएगा 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स, ये एक्स कट जाएगा, अब यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस 1 बाई थ्री और एक्स बाई थ्री और प्लस सी, तो एक्स क्यूब बाई थ्री कॉमन कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा लॉग एक्स माइनस 1 बाई थ्री प्लस सी, सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और थ्री लॉग एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री और प्लस सी, इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई नाइन, अब ब्रैकेट में ये लॉग एक्स क्यूब हो सकता है क्योंकि थ्री इधर जाएगा तो पावर बन जाएगा, और माइनस वन प्लस सी और ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, इस तरह इसको बना सकते हैं, इससे ज्यादा इजी से बनेगा ये लॉग एक्स। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक्स करोगे तो ये लॉग को लोगे तो ये 1 बाई एक्स और इसमें स्क्वायर बाई एक्स आएगा, कट जाएगा, एक्स ही केवल बचेगा, तो उसी तरह इसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे है कि थोड़ा सा पहले चेंज कर लेते हैं, 38 का 1 है, चेंज क्या करेंगे तो पुट कर देते हैं, पुट
एक्स प्लस वन इजिक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स इजिक्वल टू डी टी। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि केवल डी एक्स को डी टी बनाना था, तो करने से क्या फायदा था? तो फायदा ये था कि एक्स प्लस वन है जो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं। तो आई हमारा हो गया, अब आई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी डी टी, ठीक है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट लॉग टी डी टी, और वन मतलब एलजेब्रिक न्यूमेरिकल्स हो या फिर अल्फाबेट्स हो, वो एलजेब्रिक में ही कैलकुलेट होगा। तो वन एलजेब्रिक हो गया, तो लॉग से पहले बाद में आता है इसलिए लॉग ही हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा? तो इंटीग्रेशन होगा ये लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स या डी टी, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स वन इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डी बाई डी एक्स लॉग टी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी एक्स सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग टी इंटू टी और माइनस ये हो जाएगा वन बाई टी और डी टी मतलब टी डी यहाँ पर डी टी डी टी सॉल्व करेंगे तो टी लॉग टी और माइनस ये टी से टी कट गया है तो यहाँ पे केवल डी टी, और सॉल्व कर देंगे तो टी लॉग टी माइनस टी प्लस कर लो तो टी कॉमन कर दोगे तो लॉग टी माइनस वन प्लस सी और टी की वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू है एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इस तरह के कितने सारे हैं, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सारे एक ही तरीके से बनेंगे और ये आपके लिए है, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं बनता है तो फिर हमको कमेंट्स में डालेंगे, तो हम फिर से इसको आपको बनाकर समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन नंबर है 39। सबसे पहले इसको जनरल सब्स्टिट्यूशन से हम बाय पार्ट्स की तरफ ले चलते हैं। तो जनरल सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेंगे, पुट लॉग एक्स इजिक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई एक्स डी एक्स इजिक्वल टू डी टी, वन बाई एक्स और डी एक्स इजिक्वल टू डी टी। तो ये आई हमारा हो जाएगा लॉग और लॉग टी की जगह एक्स की जगह टी और डी टी, क्योंकि वन बाई एक्स डी एक्स हो गया है डी टी। अब इसको ऐसा लिख देंगे आई इज इक्वल टू वन लॉग टी डी टी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन में जो भी होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा, अन्यथा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है कि वन लॉग टी इज इक्वल टू क्या मिला है, ये वाला टर्म्स टी लॉग टी माइनस वन प्लस सी, तो डायरेक्ट हम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा हमें इक्वल टू टी लॉग टी माइनस वन प्लस सी, और टी की जगह क्या है, तो टी की जगह हम लोगों ने लॉग ही लिया है तो लॉग एक्स, और यहां हो जाएगा लॉग लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, और ये आंसर होगा।